हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. दिस इज़ करिश्मा शुक्ला. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर सब्जेक्ट DSS एंड आवर यूनिट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस्ट ग्रेडर एंड आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ स्टील ब्रिजेस. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रिजेस. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टील ब्रिजेस. सो वट आर ब्रिजेस? Bridges are mainly constructed over a gap in highways or railways. The railway bridges are constructed with steel. The bridge may be plate girder or lattice girder type. This may be deck or throw type. The bearing may be rocker type, roller or elastomeric bearing. द ब्रिजेस आर प्लेस्ड ओवर बियरिंग्स. बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं कि जो भी जगह पे अगर आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना है तो और आपके पास कोई बीच में मीडियम नहीं है कि जिससे आप ट्रैवल कर सके, तो उस केस में अपन क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? ब्रिजेस. सो इसलिए अपन क्या करते हैं? ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं. और अब क्या बोल रहे हैं कि बियरिंग बेसिकली क्यों? क्योंकि बियरिंग के ऊपर ही अपना ब्रिज रिलाई करेगा. और इस केस के लिए अपना जब बियरिंग को देखेंगे कि बियरिंग किस टाइप के प्रोवाइड करें, तो नंबर ऑफ बियरिंग्स है अपने पास रॉकर टाइप, रोलर टाइप और इलास्टोमेरिक बियरिंग. इनमें सब कौन सी यूज़ होगी ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस हैं. नाउ अब अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बेसिकली क्या है? ब्रिजेस आर द स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर अ गैप. The various types of bridges are as following. First, according to provided support to pedestrian loads of vehicular traffic loads, bridges are classified as. अब अपन ने फर्स्ट पॉइंट कौन सा रखा है कि जो vehicular load है, मतलब types of vehicles जो अपन चलाते हैं, train, cars, buses, etc. इस टाइप के loads के variation में अपन ने ब्रिजेस को क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट ब्रिज है अपना हाईवे ब्रिजेस टू कैरी हाईवे ट्रैफिक लोड्स. जितना भी हाईवे पे लोड आता है, ट्रक्स का, फोर व्हीलर्स का, बसेस का, आपकी टू व्हीलर्स, कार्स एक्सेट्रा, इन सारे टाइप के लोड्स को आप किस में ले जाओगे? हाईवे ब्रिजेस में. और नेक्स्ट है अपना रेलवे ब्रिजेस. रेलवे ब्रिजेस में आप खुद ही समझदार हैं कि इसमें अपन ट्रेन के लोड्स की बात कर रहे हैं. अब इसमें सारे टाइप की ट्रेन्स इंक्लूडेड हैं. थर्ड है अपना कंबाइंड हाईवे एंड रेलवे ब्रिजेस. आपने कई बार देखा होगा कि अचानक से रोड के बीच में आप अगर एम्बैकमेंट देखेंगे कि कुछ कुछ जगह पे अपनी बिल्कुल पैरेलल में चलता है. एक साइड पे रोड में भी ब्रिज बना रखा है तो उसके साइड में ही अपना रेलवे का भी ब्रिज चल रहा है. सो ये वाला कौन सा ब्रिज कहलाएगा? अपना कंबाइंड हाईवे एंड रेलवे ब्रिजेस टू कैरी बोथ हाईवे एंड रेलवे ब्रिजेस लोड. फुट ब्रिज फोर्थ नंबर है अपना. फुट ब्रिज दीज आर कंस्ट्रक्टेड टू सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स टू पेडेस्ट्रियन ओनली. फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज सिर्फ इसके लिए अपन ने प्रोवाइड किया है कि उसमें जो जा रहे हैं लोग वो पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल जाने वाले या टू व्हीलर पे जाने वाले या साइकिल्स वगैरह, मतलब इस टाइप के कोई ब्रिज कंस्ट्रक्टेड है तो वो कौन सा कहलाएंगे? फुट ब्रिज. लास्ट ब्रिज अपना इसमें कौन सा है? एक्यूडक ब्रिज कहाँ यूज़ होंगे? कि जैसे अपन ने कैनल्स वगैरह बनाए हैं या पाइपलाइंस वगैरह बनाए हैं, तो इनको जगह देने के लिए अपन ने अगर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है तो वो अपना कौन सा कहलाएगा? एक्यूडक ब्रिज. सेकेंड टाइप है अपना अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फ्लोर द ब्रिजेस आर क्लासिफाइड एज. अब आपका फ्लोर कौन सा है, किस टाइप की हाइट है, किस टाइप का साइज है उसका, क्या एलोंगेशन है, क्या लेंथ है, इस पे डिपेंडेंट है आपका ब्रिज. तो फर्स्ट टाइप है अपना डेक टाइप ब्रिज. डेक टाइप ब्रिज में भी अपने पास दो टाइप के ब्रिज हैं. डेक टाइप ब्रिज में पहला ब्रिज है अपना ए नंबर है, डेक टाइप प्लेट ग्रिडर ब्रिज. इन दिस द फ्लोर इज प्लेस्ड ऑन टॉप फ्लेंज. मतलब आपने जैसे आई सेक्शन या अपना एल सेक्शन या जो भी सेक्शन ले रखा है उसके अगर टॉप पे आपने फ्लेंज के अपर साइड पे अगर आपने अपना ब्रिज रखा है तो इन दैट केस इट विल बी डेक टाइप प्लेट ग्रिडर ब्रिज. इसी में सेकेंड नंबर है अपना डेक टाइप ट्रस ग्रिडर ब्रिज.
अब देखना ऊपर में प्लेट ग्रेडर था, नीचे में ट्रस ग्रेडर है, सो डिफरेंस है इसमें. इन दिस टाइप द फ्लोर इज प्लेस्ड ऑन टॉप कॉर्ड्स. अब टॉप कॉर्ड्स बेसिकली अगर मान लीजिए आपका बीम सेक्शन है या वहाँ पे कॉलम सेक्शन या कोई दूसरा सेक्शन एंगल सेक्शन आपका वहाँ पे प्रोवाइडेड है, अगर उसके ऊपर अपन ने ब्रिज रख के बनाया है. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जैसे अपन दो आई सेक्शंस बना दे, उसके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दे, अगर उसके ऊपर अगर आप रख के अपना ब्रिज बनाते हो तो वो क्या कहलाएगा, अपना डेक टाइप ग्रस ट्रस ग्रेडर ब्रिज. और इसी में अपना एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि इन दीज डेक टाइप ब्रिजेस ओवर द टॉप ऑफ द ट्रैफिक देर विल नॉट बी एनी ब्रेसिंग. मतलब आप जहाँ डेक टाइप ब्रिज बनाओगे तो इन दिस केस आपको सिर्फ नीचे ही ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है, अपर साइड में कोई ब्रेसिंग नहीं प्रोवाइड करनी है. सो नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड वाला, थ्रो टाइप ब्रिज में इन दिस टाइप द फ्लोर इज सपोर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द मेन लोड कैरिंग मेंबर्स. अब क्या बोल रहा है कि जो अपना ब्रिज है, इसका जो थ्रो टाइप ब्रिज है ये अपना कैसा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सेक्शन बनाया, सेक्शन के ये बॉटम साइड पे आएगा, अपर साइड पे नहीं आएगा, बॉटम साइड पे आएगा. अब डोंट इमेजिन कि ये बेस पे रहेगा, कॉलम सेक्शन से अपर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपने अपनी एसेसरीज जहाँ लगाएंगे आप, बेसिकली जहाँ पे आप ट्रस ग्रेडर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, उस जगह पे ये उसके टॉप पे ना होके उसके बॉटम पे होगा. मतलब हाइट अबव द ग्राउंड लेवल तो होगी, लेकिन जहाँ पे आपका कॉलम से आपने एसेसरीज लगाई है अपना, वहाँ से इसकी हाइट डिपेंड करती है कि ऊपर सबसे टॉप पे लगेगा या उसके बॉटम पे लगेगा. ठीक है, तो कॉलम्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हाइट अबव द ग्राउंड लेवल के बाद भी इसकी और हाइट बढ़ेगी कुछ, उस पर लगेगा. और इसके भी तीन टाइप्स है अपने, पहला टाइप है अपना थ्रो टाइप प्लेट ग्रेडर ब्रिज. अब यहाँ पे प्लेट ग्रेडर की बात कर रहे हैं, तो द फ्लोर इज सपोर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लेंज. सीधा साफ वही फ्लोर अपन ने नीचे सपोर्ट कर लिया. और इसी में बी टाइप है अपना कौन सा, थ्रो टाइप ट्रस ग्रेडर ब्रिज. थ्रो टाइप ट्रस ग्रेडर ब्रिज कौन सा है अपना, द फ्लोर इज सपोर्टेड ऑन द बॉटम कॉर्ड्स. इन दीज थ्रो टाइप ब्रिजेस ओवर द टॉप ऑफ द ट्रैफिक ब्रेसिंग इज डन. अब देखिए इसमें अपने पास बॉटम कॉर्ड्स, वही नीचे आपने जो भी ट्रस वगैरह जो भी एसेसरीज प्रोवाइड करी उस पर सपोर्ट करेगा. अब देखो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इमेजिन करिए कि एक कॉलम सेक्शन है बना हुआ, अब वो कॉलम सेक्शन के बाद जब उसमें आप उसके ऊपर शीटिंग या उसके ऊपर कोई रूफ रखना चाह रहे हैं, तो उसके पहले आपको कुछ ना कुछ एसेसरीज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा. वहाँ आप आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, या चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे अपन पर्लिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब पर्लिन्स में भी उसका एक टॉप और बॉटम कॉर्ड तो होता है ना, तो उसके ऊपर अब आप ऊपर रख रहे हैं तो उस केस में कौन सा होगा, डेक टाइप. और उसी चैनल सेक्शन के बॉटम में रख रहे हो तो कौन सा होगा, थ्रो टाइप. अब थ्रो टाइप में क्या बोल रहा है कि ऊपर में भी आपको ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है. अब देखिए डेक टाइप में तो नीचे सारा सेक्शन खत्म हो गया, ऊपर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन थ्रो टाइप में क्या होगा, आपका एक सेक्शन का एक पार्ट निकला हुआ दिखाई देगा, तो आपको उसके लिए ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसी में आगे देखते हैं थर्ड वाला जो अपना है इन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस में, क्या है अपना, हाफ थ्रो टाइप ब्रिज. अब इस केस में क्या है, इन बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ मेन लोड कैरिंग मेंबर्स द फ्लोर इज लेड. इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज लोड कैरिंग मेंबर्स प्रोजेक्ट अबव द फ्लोर लेवल एंड ओवर ब्रेसिंग्स इज नॉट प्रोवाइडेड. इन दिस डबल डेक टाइप ब्रिजेस बोथ द डेक में बी थ्रो टाइप और वन कैन बी डेक टाइप एंड वन कैन बी थ्रो टाइप. अब अपन को क्या बोल रहा है कि इस केस में आपको क्या करना है, ना आपको टॉप पे रखना है ना आपको बॉटम पे रखना है, इनके सेंटर्ड पे रखना है. और इसमें एक नहीं दो फ्लोर प्रोवाइड करना है आपको, तो दो फ्लोर के केस में क्या होता है, या तो वो दोनों के दोनों डेक टाइप मतलब थ्रो टाइप के हो सकते हैं, या उनमें से एक डेक टाइप की तरह बिहेव करेगा और एक थ्रो टाइप की तरह बिहेव करेगा. और इसके अलावा इसके ऊपर में टॉप में आपको बेयरिंग प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बेयरिंग नहीं प्रोवाइड करना है. और इस ब्रिज में ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि इसमें जब अपन को फ्लोर डिसाइड करना है तो फ्लोर
इन दोनों के सेंटर्ड पे भी होगा या फिर उससे थोड़ा सेंटर से अबव हो सकता है या बिलो हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट में देखेंगे. थैंक यू.